कुछ इस तरह के ग्रीन स्क्रीन को फिल्मोरा 13 के अंदर हम लोग एक्यूरेटली किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड किया है, सेम बैकग्राउंड, सेम ग्रीन स्क्रीन, सेम फोन के साथ रिकॉर्ड किया। अब इसको कैसे रिमूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कलर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद HSL। आप लोगों ने अपनी ग्रीन स्क्रीन का कलर देख लेना कि आप लोगों की वीडियो के अंदर कैसा शो हो रहा है। लाइक मेरे यहाँ पर थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप दिख रहा है, लेकिन मेरी जो ओरिजिनल ग्रीन स्क्रीन है वो फुली ग्रीन है। मोबाइल का कैमरा कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर को सिलेक्ट करूंगा। एंड देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऊपर स्लाइडर देखने के लिए मिल जाएंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करेंगे तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो, हमारी ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर ग्रीन हो रही है। आप लोगों ने एक बात का ध्यान रख लेना है कि जैसे हमारी ग्रीन स्क्रीन का कलर है वैसा और कोई भी कलर आप लोगों की रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। लाइक वो ग्रीन स्क्रीन थोड़ी स्काई ब्लू कलर की है, उसी तरह की आप लोगों ने शर्ट नहीं डालनी, या उसी तरह की आप लोगों ने यहाँ पर लाइट वगैरह का ऑन नहीं करना जिससे आप लोगों का बॉडी का पार्ट रिमूव हो जाए ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ। अगर मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं, पहले हमारी वीडियो कुछ इस तरह से थी और अब हमारी वीडियो कुछ इस तरह से हो चुकी है, जो कि ओरिजिनल ग्रीन स्क्रीन का कलर होता है वैसे ही कलर हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर AI टूल्स में जाने के बाद क्रोमा की वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इस पेंसिल वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के थोड़ा सा करीब जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट का कोई भी यहाँ पर पार्ट इसके अंदर ना आ रहा हो इस सर्कल के अंदर, तो आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन के पार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों को तो लग रहा होगा कि कंप्लीटली ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। अल्फा चैनल को ऑन करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा काफी ज्यादा पार्ट रहता है ग्रीन स्क्रीन का रिमूव करने के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऑफसेट को 100% कर देंगे, टॉलरेंस को हम लोग थोड़ा सा कम ज्यादा करके देख लेंगे। जहां पर हमारा कंप्लीटली ग्रीन स्क्रीन के पार्ट्स रिमूव हो रहे हैं वहां पर लाकर हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट की एजेस को भी देखना है और अल्फा चैनल को ऑफ करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वीडियो की लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड करते हैं और देखते हैं कि कैसा हम लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी एक्यूरेटली यहाँ पर हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है, जिसकी थिकनेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर ब्लैक ब्लैक देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोग एज फीचर को यहाँ पर आकर कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो, जिससे आप लोगों को ये लाइन शो नहीं होंगी। अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद बेसिक्स वाले ऑप्शन के ऊपर आकर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और ड्रॉप शैडो को यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने कलर को यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। डिस्टेंस को आप लोगों ने 0 सेलेक्ट कर लेना है। ब्लर को आप लोगों ने थोड़ा सा कम कर लेना है और आप लोगों ने इसके ओपेसिटी को कंप्लीट 100% कर देना है, जिससे आप लोगों की वीडियो भी काफी बेटर देखने के लिए मिलेगी। और आप लोग अपने बैकग्राउंड के अंदर ब्लर इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। सिंपली इफेक्ट टैब में जाओ और यहाँ पर सर्च करो स्केयर ब्लर। सर्च करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना और इसको अपनी बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर यहाँ पर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी बेहतरीन हम लोगों को यहाँ पर वीडियो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा ब्लर नहीं चाहते, सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इफेक्ट सेक्शन में जाकर थोड़ा सा इसको 1% रख लेना, तो ये हम लोगों को काफी बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। अगर अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप लोगों को हमारी वीडियो देखने के लिए मिलेगी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद। फिल्मोरा 13 के अंदर अपने थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना, और फिल्मोरा ट्यूटोरियल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट फिल्मोरा ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।